सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी मेरे चैनल शेयर किया करें। जैसा कि आपने अभी टाइटल में तो देख ही लिया होगा कि आज मैं कहां पर जा रही हूं। आज मैं अपनी कजन की बर्थडे में जा रही हूं क्योंकि रात को मामू ने कॉल की कि कल कजन की बर्थडे है, तो आज हम लोग वहां पर जाने वाले हैं। सुबह पहले हम लोग ने नाश्ता कर लिया, अपनी स्टडी वगैरह, घर में सारा काम वगैरह कर लिया कि ताकि हम लोग आज टेंशन फ्री होकर जाएं क्योंकि नेक्स्ट डे हमें स्कूल भी जाना है। तो पहले मैं आपके साथ अपने ड्रेस वगैरह सब कुछ शेयर कर लूंगी। हफ्सा और मैंने अभी अपने ड्रेसेस और ज्वेलरी वगैरह निकाल लिया, पहले मैं आपके साथ वो कर लूंगी शेयर और फिर मैं बाद लेके ड्रेस ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर लूंगी। चलाए मैं आपको अपना ड्रेस दिखा देती हूँ। ये मेरा ड्रेस है और साथ में ये पजामा है, इस पर वो भी और भी है, और ये साथ मेरी ज्वेलरी है, पर्स है, मैंने अपने ब्रेसलेट निकाल लिए थे, लॉकेट, और ये मैं फिर फाइनल देख लूँगी कि मुझे क्या पहनना है, मैं फिर इसमें से सिलेक्ट कर लूँगी। और ये साथ मेरा हेडबैंड है जिस पर मम्मा ने मुझे ये लगा दिया था, एक प्यारा सा बीड है, और मैंने अपने चूड़ियाँ, रिंग्स, और ये है हफ्सा का ड्रेस। इसके साथ ये बिल्कुल मेरे वाले ड्रेस की तरह सेम बेल्ट भी हैं, मेरे वाले की बेल्ट इस तरह, तो और मेरा और हफ्सा का बिल्कुल सेम है, इसका भी वैसा ही पजामा है, वैसा ही डिज़ाइन हुआ हुआ है ब्लैक कलर का। हफ्सा ने अपने लिए बैंड भी निकाल लिया सब कुछ, तो हफ्सा का जो बैंड है उसके ऊपर भी मम्मा ने एक मोती उसके लिए लगा लिया था बीज। ये हफ्सा की चूड़ियाँ, लॉकेट एंड ये भी चूड़ियाँ। हफ्सा और मुझे जो भी इसमें से पसंद होगा अभी है तो हमने निकाल लिया, लेकिन फिर हम फाइनल में देखेंगे कि हमने इसमें से क्या पहना है, तो फिर हम लोग वो पहन लेंगे। बाय द वे ये हमारे बड़ी ईद के ड्रेसेस हैं जो आज हम लोग बर्थडे में पहनने वाले हैं। अब मैं जल्दी से जाकर रेडी हो जाती हूँ। चले ना बच्चों, आज आप बर्थडे पे आओ ना, सबका इजाजा। हाँ बेटा, क्या हाल है? आप लोग ठीक ठाक हो? खैरियत से बर्थडे पे आए हो? चले बर्थडे के साथ साथ एक नेकी का काम भी करते जाए। ये सबका इजाजा है, ये बॉक्स मैंने रखा हुआ है, मैंने कहा आज जितने भी गेस्ट आएंगे उन सब गेस्ट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अपनी जान और माल का सदका देना है, वल बाकियात सवालेहात, इसका मतलब है बाकी रह जाने वाली नेकियां, इसमें हम फंड्स इकट्ठा करते रहते हैं, और ऐसे इलाकों में पानी, जहां पर पानी अवेलेबल नहीं होता वहां पर हम बोर करवा के देते हैं लोगों को, ओपन प्लेस पे भी, और मस्जिदों में, मदरसे में, घरों में, जहाँ जो बहुत ज़्यादा नीड हो वहाँ पर हम पानी लगवा के देते हैं। तो चलो ना बच्चों, आप भी कुछ शेयर करो इस सबके में। जी मैं भी देना पसंद करेंगे। ओह गुड, वेरी गुड, थैंक यू। ये हमारी कोई एनजीओ नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, ये मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद एक छोटा सा हम प्रोफेसर से मिलकर ये काम शुरू किया हुआ है कि हम ओपनिंग पे ऐसी जगहों पे ये काम करें जहाँ पर पानी अवेलेबल ना हो, रागीर जो हैं उनको पानी अवेलेबल हो जाए, मदरसे में हो जाए, मस्जिदों में हो जाए जहाँ लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, सहराओं में, जैसे कराची में थरपारकर है एरिया, वहाँ पर हमने काफ़ी काम करवाया हुआ है, तो इसलिए चले वेल एंड गुड कि आपने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर लिया। रियान कहाँ है? रियान से भी कहें वो भी इसमें शेयर करें। तो पहले हम लोग ऊपर जाते हैं और देखते हैं सेटिंग, हम लोग देख लेते हैं पहले।
बाकी मेहमानों के आने में टाइम है तो हम लोग जल्दी से बैठ जाते हैं कि हम लोग अपनी पिक्चर्स बनवा दें। बर्थडे गर्ल को हमने बड़ी मुश्किल से अपने साथ बिठाया कि ताकि हमारी वीडियो बन जाए। डिनर में चिकन बिरयानी, सीख कबाब, खीर और कोल्ड ड्रिंक है। अब मैं अपना डिनर एंजॉय करती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया करें। आपने मुझे इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करना कि आपको बर्थडे पार्टी कैसी लगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।